भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू व कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में पार्टी के प्रभारी तरुण चुग ने कहा कि धारा 370 हटाने की दूसरी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि विभाजनकारियों और आतंकवादी ताकतों से सख्ती से निपटा गया है, यहां तक कि पत्थरबाजों को भी नकेल डालकर भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखा गया है। चुग ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों को सहायता दी जा रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान भी बैकफुट पर आ गया है और लोग राहत की सांस ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी भावनाओं का स्थान विश्वास, विकास और प्रगति ने ले लिया है। 5 अगस्त 2021 पर 2019 की वर्षगांठ मनाने पर बहुत बहुत बधाई। थोड़ा नीचे 70 साल बाद 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के नागरिकों को वो अधिकार मिले जो अधिकार पूरे देश को कई सालों से एक आजादी का एहसास, गरीबी से लड़ने का एहसास इस समय में शुरू हुआ। आप देखिए पंचायती राज, बीडीसी चुनाव, डीडीसी चुनाव, 52-52%, 60-60% लोग बाहर आए, वोट किया, वोट का अधिकार मिला है आवाम को, निष्पक्ष वोट किसे कहते हैं वो समझ आया, इसलिए लोग बाहर आए वोट किए। ये मैं समझता हूं सबसे बड़ी जीत है श्री नरेंद्र मोदी जी की, भारत सरकार की, जम्मू कश्मीर के आवाम की, कि आवाम को विश्वास बना लोकतंत्र पर और इस विश्वास के कारण वो वोट करने के लिए। आप देखिए जिस जम्मू कश्मीर में केवल सैकड़ों लोग निकलते हैं, मेरे को याद है 550 पे एमएलए बनना हो गई है। आज आप देखिए 22-21 लाख लोगों ने वोट किया, 50%, 52%, 60%, 65% वोट किया लोगों। ये विश्वास लोकतंत्र पर नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर उन्हें लगता था कि जम्मू कश्मीर में मत पेटी नहीं, यानी वोटर वोटिंग बॉक्स, मत पेटी नहीं, किसी के माँ का पेट तय करता है कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन, किसी के माँ का पेट तय करता है कि यहाँ कौन विधायक बनेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा। चुग साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर काफी ज्यादा ऐसे, या मैं कंप्लीट कर देता हूँ, अब मत पेटियों के हाथ में लोकतंत्र पहुंचा है। अब्दुल्ला होना और अब्दुल्ला के लिए, अब्दुल्ला का प्रतिनिधि होना या मुफ्ती होना या मुफ्ती का प्रतिनिधि होना जरूरी नहीं है, अब जरूरी है जम्मू कश्मीर के आवाम का विश्वास। और आप देखिए आज जनता सामने आई, आज यहाँ पर 900 ऐसे कानून थे जो पूरे भारत में लागू थे, जनता के हित के कानून जो यहाँ लागू नहीं थे, आज उनमें से 900 के 900 कानून यहाँ लागू हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है, जम्मू कश्मीर में आज 100% हेल्थ फैसिलिटी फ्री, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस, जम्मू कश्मीर की बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ, पर्यटन, सड़क, 14 ऐसे महत्वपूर्ण अदारे हैं जिनको भारत की सरकार ने कहा इनको हर हालत में देश के दूसरे हिस्सों के लेवल पर लाना। आज जम्मू कश्मीर बदल रहा है, मैं आपके माध्यम से गुप्कार गैंग को कहना चाहूंगा, कल उन्होंने प्रेस की, क्या बदला है? सबसे पहले बदला है कि यहाँ के आवाम को ताकत मिली, यहाँ के आवाम को आजादी मिली, यहाँ का आवाम अब अपना नेता चुन सकता है, यहाँ का आवाम
आगे बढ़ सकता है। आपने दिया था उनके हाथ पे पत्थर, हमने दिया 50,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल पैकेज, और ये पैकेज केवल वैसे नहीं है, 168 एमओयू हो चुके, लगभग 13,000 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति हो चुकी, 50,000 करोड़ की योजनाओं पर काम हो रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में मेडिकल सिटी पार्क बने, बड़े बड़े हॉस्पिटल आए उसकी योजना, यहाँ के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। मेरे को याद है यहाँ 70 साल में 500 मेडिकल सीटें थी, आज 500 की बजाय हर साल 955 डॉक्टर बनेंगे, जिनके हाथ में आपने पत्थर दिया था हम उनके हाथ में डॉक्टरी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। 25,000 सीटें नहीं निकाली गई हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ सके, IIM, IIT, 2 केंद्रीय विद्यालय, 2 एम्स। मैं पूछना चाहता हूँ मुफ्तीज एंड अब्दुल्ला एंड कंपनी को, कितने एम्स लाए आप यहाँ पर? हम 2 एम्स लेके आए, 7 मेडिकल कॉलेज लाए, 7 पैरा मेडिकल कॉलेज लाए, यहाँ पर रोड्स बन रही हैं। सबसे पहले आपने बताया कि यहाँ पर पत्थरबाजी के हाथों में हमने डिजीज बना दिया, जबकि आप ही का ये स्टेटमेंट आया था कि जो भी पत्थरबाजी में मुलव्वस होगा और जो बाकी इंटरनेशनल एक्टिविटीज में मुलव्वस होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, UPI के तहत उनको बंद किया जाएगा, PSA के तहत उनको बंद किया जाएगा। अभी आपने बताया स्टूडेंट बेल्टर्स को हमने डिग्रियां थमा दी, नंबर एक सवाल आप पहले सुनिए सर, फिर आप जवाब दीजिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर देखा जाए माइनर्स जो है इन्वॉल्व थे कंसल्टिंग में, तो आपको नहीं लगता है कि आप उनका कैरियर जो है खत्म कर रहे हैं? ऐसा है कि मैं तो उल्टा समझता हूँ कि हमने ऐसा माहौल दिया है, स्टोन पेल्टर्स भी नहीं है और उनको पैदा करने वाले भी आज खड़े नहीं, हमने उन्हें मौका दिया है, टूरिज्म दिया है यहाँ पर, हमने यहाँ पर विकास दिया है, अब यहाँ का नौजवान उनकी तरफ नहीं जा रहा है, अब यहाँ का नौजवान आप जाके देखिए कोई बोट खाली नहीं, अब जाके देखिए किसी होटल में कमरा नहीं, आप जाके देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पर 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है विकास की ओर बढ़ रहा है। अब जम्मू कश्मीर तो रुकना नहीं है, अब टूरिज्म कैपिटल बनना है, टेररिज्म कैपिटल का तगमा उतार दिया और यहाँ की जनता ने उतारा है, हमने माहौल दिया है। आप देखिए समथिंग एल्स सर, अभी सर आप सुनिए ना, आप मैं आप करेंगे उत्तर भी आप देंगे, उत्तर भी तो आप देने वाले तो आप इधर आ जाएंगे। आज हमने माहौल दिया है यहाँ के लोगों को कि वो विकास की ओर बढ़ सके, मौके दिए, रोक के रखा गया था, यहाँ के पर्यटन को एक नई दिशा दी जा रही है, यहाँ की इंडस्ट्री को नई दिशा दी जा रही है, विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है, नेता लोकल लीडर्स अपने आप चुनकर आ रहे हैं, वही डिसीजन ले रहे हैं कि क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कहाँ पानी चाहिए, कहाँ बिजली चाहिए। हमने लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, हर घर पे जल से नल, नल से जल हम पहुंचा के रहेंगे, हर घर पे पीने का पानी नल से पहुंचे, ये हमारी योजना और उनके काम चाहिए। ऐसा है कि अभी परिसमन हो रहा है, परिसमन के बाद सरकार है आने की, उनको निर्णय लेने की, कोई जम्मू कश्मीर के विकास के रास्ते में रुकावट नहीं है, केंद्र सरकार आगे बढ़ के विकास चाहती है, इसलिए हमने परिसमन लाया। मिस्टर तोरण, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, आपने टेररिज्म की बात की, आपने विकास की बात की, तो कहां पर कॉन्फिडेंस मिलने में जो नया कश्मीर दिल की दूरी अप्लाई होता है, जबकि आपकी जबकि एक बॉर्डर आता है कि जो स्टोन फिल्टर्स है उनको गवर्नमेंट रोक नहीं दी जाएगी, नहीं दिया जाएगा, तो मेन स्ट्रीम में आने की बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, आप तो उनको जॉब नहीं दे रहे हैं, अब मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, मेरे को बताइए पिछले 2 साल में कहां घटना हुई, आपको रिसेंट ऑर्डर की बात कर, मैं कह रहा हूं कि आप बताइए, है नहीं सर, देयर आर सो मेनी सर, देर देर नो एंट्री, पत्थरबाज की बात कहाँ है, ही नहीं कहीं, घटना बताइए,